जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम पोटका के रसुनचोपा गांव में ग्रामवासियों के द्वारा 10 दिवसीय यानी कि 18/10/2024 से 28/10/2024 तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रीधाम वृंदावन से उपस्थित श्री बृजनाथ जी महाराज एवं कथावाचिका साध्वी माधवी प्रिया गोस्वामी के विष्णु पुराण एवं भागवत कथा प्रवचन उपदेशवाणी सुनकर पुण्य का भागीदारी बनने के लिए रसुनचोपा ग्राम सह पोटका प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव से हजारों संख्या में महिला पुरुष एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। मौके पर क्षेत्र के मुखिया सीमती सरदार और उनके पति सुषेण सरदार श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुनने पहुंचे। मुखिया सीमती सरदार ने वृंदावन से आए हुए श्री बृजनाथ जी महाराज की पैर छूकर आशीर्वचन लेते हुए क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की मंगल कामनाएं किए। वृंदावन से आए हुए बृजवनाथ जी महाराज ने कहा कि वैदिक सनातन धर्म में यह भागवत सर्वोत्तम बताया गया है। भागवत श्रवण करने से मनुष्य को अजस्र लाभ मिलता है। कली युग के लिए इस समय चारों ओर अधर्म फैला हुआ है। अधर्म की काल में भगवान की एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते रहिए एवं भागवत कथा श्रवण कर सभी चरित्र को चिंतन करते करते अपने जीवन को सफल बनाए। वैदिक सनातन इस अवसर पर गांव के भक्त मंडोली अध्यक्ष मंडल शिशिर मंडल खगेन मंडल निमाई चांद मंडल दीपक मंडल प्रशांत मंडल तुषार मंडल पीयूष कुमार मंडल आदि के साथ पूरे ग्रामवासी के काल में रहे। भगवान की एक रास्ता ही है, एक ही रास्ता है और वो है श्रीमद् भागवत श्रवण करते रहे और भागवत में हर चरित्र को चिंतन करते करते अपने जीवन को सफल बनावे, समाज का कल्याण, घर का कल्याण और देश का कल्याण एक श्रीमद् भागवत में ही निहित है। कैसे जीवन जीना है वो भागवत बोलते हैं, मरने से पहले कैसे रहना है वो भागवत निर्देश करते हैं, मृत्यु की समय किस प्रकार मानसिकता होना चाहिए उसमें भागवत दिशा निर्देश करते हैं, जीवों का परम कल्याणदायी ये श्रीमद् भागवत कथा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, भागवत को जो वक्ता है वो वक्ता कैसा होना चाहिए, तो हमारा भागवत में ही बता रहे हैं। इतना अद्भुत एक श्लोक है जो कल्पना नहीं कर सकते हम, ज्ञान वैराग्य एवं समग्र विद्या विशाल। शास्त्र में उतना ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति है वो भागवत करे और भागवत के द्वारा जीवों का कल्याण करे। जीव कल्याण करी ये भागवत कथा है। राधे राधे।